व्हाट इज द कंट्रोलिंग टॉर्क? कंट्रोलिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जिससे हमारा जो पॉइंटर होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है। अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई ना करें तो जो हमारा पॉइंटर है ये मूव करता रहेगा जितने इसकी मैक्सिमम पावर होगी। तो जो जब डिफ्लेक्शन टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है तो जो हमारा पॉइंटर होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में तीन तरीके के टॉर्क होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क।